बाणावली होगा, अग्नि जैसा दुर्घर्ष होगा, समुद्र समान दुस्तर होगा, मृगेंद्र समान विक्रांत होगा, पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, पितरों के समान सहिष्णु होगा, रमापति भगवान विष्णु के समान भूत मात्र के लिए आश्रय बनेगा, अनेकानेक अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन करेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, लेकिन कुंडली में जो आठवां स्थान है मृत्यु स्थान, उसको देखने से लगता है तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रो वसर्जितात्, ब्राह्मण के श्राप से, तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होगी इसकी। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हुए, ब्राह्मणों का अपराध किए बगैर तो ब्राह्मण शाप नहीं दे सकते, क्या हमारा ये पौत्र ब्राह्मणों का अपराध करेगा? कहा ब्राह्मणों ने, धर्मराज चिंता न करिए, इस पर भगवान की कृपा है, ब्राह्मण का शाप भी तुम्हारे इस पौत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। योग्य अधिकारी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के शरण में जाकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करके वह भगवान को प्राप्त करेगा। भविष्य कथन करके दक्षिणा पा करके संतुष्ट मनसह ब्राह्मण विदा हुए और परीक्षित यहां बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। अगला निवेदन कल सुबह 9 बजे। यहां कथा को मैं विराम दूं, लेकिन ये आप बीच बीच में उठकर खड़े हो रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कृष्ण दरबार है, 2-5 मिनट में कोई काम बिगड़ नहीं जाने वाला, उल्टे चले जाओगे तो बिगड़ जाएगा बिना प्रसाद और आरती लिए, इसलिए प्रसाद और आरती का अनादर न करें। और आइए, संध्या हो चुकी है, सायं संध्या करें। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 2 मिनट भाव से गाइए। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सदगुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की और भगवान के भक्तों की मंगलमयी कथा है। चारित्र शुद्ध हैं जिनके, उनके चरित्र की कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चारित्र शुद्धि का ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत की इस मंगलमयी कथा से हमें अपने आप के चरित्र को विशुद्ध करना। चारित्र ही जीवन है, चारित्र ही संपत्ति है। पैसे गवाएं, कुछ नहीं गवाया। समय गवाया, कुछ तो गवाया है। कैरेक्टर गवाया, सब कुछ गवा दिया। श्रीमद् भागवत चारित्र शुद्धि का यज्ञ है। भगवान के भक्त संत विदुर तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर आए। अन्यत्र किए हुए पाप तीर्थ में नष्ट होते हैं, लेकिन तीर्थ में यदि कोई पाप करता है तो वज्रलेप हो जाते हैं पाप।
संतों का कहना है तीर्थ में होते हुए पाप और तीर्थ में होते हुए पुण्य दोनों वज्रलेप हो जाते हैं, उसका नाश नहीं होता। तीर्थ में पुण्य करें। श्रीमद् भागवत का जहां यज्ञ हो रहा है वो भी तीर्थ है, जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां सारे तीर्थ गुप्त रूप से उपस्थित होते हैं। इसलिए यहां भी जितना हो सके पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं दोष नहीं। कथा में विक्षेप करना यह भी दोष है, यह तीर्थ में हुआ दोष है। बीच में से न उठें, बातें न करें, यह तीर्थ है यहां कैसे भी न बैठें, भागवत जी के सामने पग लंबे करके न बैठें, यह सब मर्यादा है। ये मर्यादा वक्ता के लिए भी है, श्रोताओं के लिए भी है। तीर्थ है ये, दोष नहीं होना चाहिए। देखो यहां बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, तीर्थ है। विदुर जैसे संत जो स्वयं निष्पाप है वे तीर्थ यात्रा करते हैं पापों को खत्म करने के लिए नहीं, वे तो निष्पाप ही हैं, लेकिन तीर्थ की महिमा बढ़े इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं। यात्रा में चार चीज चाहिए तब यात्रा होती है, संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और श्रद्धा चाहिए। संपत्ति नहीं होगी तो यात्रा कैसे करेंगे। कई लोगों के पास संपत्ति होती है लेकिन समय नहीं होता, अपना धंधा छोड़कर जा नहीं सकते। अभी धंधा छोड़कर भगवान का भजन भी नहीं कर सकते तो फिर तीर्थ यात्रा के लिए तो कैसे जाएंगे, अपने घर में भी भगवान का भजन ठीक से नहीं करते। संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, तीसरी बात स्वास्थ्य चाहिए। फिर बड़ी उम्र हो जाए तो बुढ़ापे में संपत्ति भी होती है, समय भी होता है, लेकिन तब फिर स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता, इसलिए तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। समय, संपत्ति और स्वास्थ्य के साथ साथ श्रद्धा का होना भी अनिवार्य है। कश्मीर घूमने यदि आप जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पर यदि आप जाते हैं तो वहां समय, संपत्ति और स्वास्थ्य को लेकर ही जाते हैं, वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन केदारनाथ यदि जाएं दर्शन करने के लिए, हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, तो समय, संपत्ति और स्वास्थ्य के साथ श्रद्धा का होना भी जरूरी है। विदुर जी तीर्थयात्रा करके आए हस्तिनापुर में, पांडवों ने विदुर चाचा का स्वागत किया, आसन दिया, पूजा की, चाचा को सबने नमस्कार किया। कहिए तो चाचा जी आप कहां यात्रा करके आए, किन तीर्थों में आप घूमे, आपकी आजीविका किस तरह से चली। पांडव कौरव का जब युद्ध हो रहा था तो विदुर जी यह संघर्ष से दूर हो गए और अपने शांति के लिए तीर्थ यात्रा को चले गए थे। जब तक विदुर जी तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर पुनः लौट आए तब तक कौरवों का नाश हो चुका है, पांडवों की विजय हो गई है और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य चल रहा है। पांडवों ने स्वागत किया है, विदुर चाचा ने सब बातें बताई, परमानंद हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी अभी जीवित हैं, पांडव उनको अपने माता पिता के समान मानकर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन विदुर जी ने जब ये देखा कि अभी भी धृतराष्ट्र और गांधारी को भगवान के भजन का मन नहीं होता तो एकांत में संत विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया, अभी तक तुम्हारी आशा और तृष्णा नहीं मिटी, अभी भी घर छोड़ के वन में जाकर श्रीहरि का भजन करने की इच्छा नहीं होती तुम्हें। जैसे जैसे वय बढ़ती जाती है आशा और तृष्णा भी बढ़ती जाती, तृष्णा नहीं छूटती। इसी तृष्णा और वासना के कारण ही तो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। भगवान शंकराचार्य ने इसलिए गाया,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखरोई करणे गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं पलितं मुंडं दशन विहीनं जातं तुंडं अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीनं गलितं पलितं तुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशा पिंडम वृद्धो याति वादनम तदपि न मुञ्चति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखरोई करणे शरीर वृद्ध हो जाता है बिना लकड़ी के आधार के चला नहीं जाता कमर से झुक जाते हैं आंख का तेज चला जाता है कान से सुनाई नहीं पड़ता दांत निकल गए हैं मुंह से बाल सफेद हो गए हैं ऐसी अवस्था में भी आशा नहीं छूटती और ये आशा तृष्णा केवल संसारियों को ही पकड़ती है ऐसी बात नहीं बड़े बड़े महात्माओं को भी पकड़ती इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं अग
सुग्रीवहनि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुका समर्पित जानु सुग्रीवहनि पृष्ठे भानु आगे अग्नि पीछे सूर्य और रात की ठंडी में मस्तक चरण में चला जाता है सुग्रीवहनि पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुका ठंडी में भी सोता रहता है समर्पित जानू रात्रौ चिबुक समर्पित जानू रात्रौ चिबुक समर्पित जानू करतल भीषा तरुतल वास तदपि न मुंचति आशा पाश करतल भीषा तरुतल वास तदपि न मुंचति आशा पाश भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति रोई करणे हा हाथ में भिक्षा लेकर खाता है करपात्री है वृक्ष के नीचे ही बैठा रहता है वस्त्र नहीं पहनता दिगंबर है आगे अग्नि है पीछे भानु है तपश्चर्या करता रहता है ऐसे महात्मा को भी तृष्णा नहीं छोड़ती शंकराचार्य कहते हैं फिर हम संसारियों की बात ही क्या शंकराचार्य कहते हैं देखो मेरे भाई बहन जब तक जीवात्मा है इस शरीर में तब तक कोई घर पर आकर कुशलता पूछता यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे यावत जीवो जब तक जीव है शरीर में तब तक कोई पूछेगा तुम कैसे हो आनंद में यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे कुशलम तावत गतवती वायौ देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये गतवती वायौ देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुग्रोई करणे जब तक शरीर में जीव है तब तक कोई आकर कुशलता पूछता है एक बार निकल जाए जीवात्मा शरीर को छोड़कर फिर उसके शव से उसकी पत्नी भी डरती है
जिस पति के सानिध्य में अभय का अनुभव कर रही थी पत्नी कि मुझे डर किस बात का, मेरे पति हैं साथ। लेकिन एक बार जीवात्मा शरीर छोड़कर निकल गया, फिर उस शव से उसकी पत्नी भी डरती है कि मैं अकेली हूं और घर में शव पड़ा है। क्यों गर्व न कीजे धन दौलत का, गोविंदम भज हे मूढ़ मते गोविंदम भज। मृत्युकाल जब नजदीक आएगा तो और कोई रक्षा नहीं कर पाएगा तेरी, भगवान का नाम ही तेरी रक्षा करेगा। मूढ़ मते भज गोविंदम। बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणीरक्त, बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुण सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुब्रुई करणे। बालक था तब तक क्रीड़ा में खेलने में तेरा मन था, युवा हुआ तो अपनी स्त्री में आसक्त हुआ, जब वृद्ध हुआ तो फिर चिंता में मग्न रहा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी तक इसका धंधा ठीक नहीं चल रहा, उसका क्या होगा। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों में तूने और ही कुछ किया, भजन तो किया ही नहीं। शंकराचार्य कहते हैं जरा सोचो तो, वयसी गते कह काम विकार शुष्के नीरे का सार, वयसिगते कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सार, वयसिगते कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सार, वयसिगते कह काम विकार शुष्के ज्ञाते तत्वे कह संसार,
नष्टे द्रव्ये सह परिवारो ज्ञाते सर्वे कः संसारः भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरे नहीं नहीं रक्षति दुग्रोई कर एक बार वह बीत गई फिर कह काम विकार फिर तो काम विकार नहीं रहेंगे शरीर जब वृद्ध हो जाएगा फिर काम विकार कैसे एक बार पानी सूख गया फिर कीचड़ कैसे शुष्के नीरे कह का सार बहुत अद्भुत लिखते हैं शंकराचार्य नष्टे द्रव्ये कह परिवारो एक बार तुम्हारा द्रव्य नष्ट हो जाए एक बार तुम्हारे पैसे चले जाए तुम दरिद्र हो जाओ तो फिर परिवार किसका कैसा परिवार सब स्वार्थ के जो सगे संबंधी है सब छोड़ देते हैं जब तक पैसा है तब तक सम्मान मिल रहा है ये तुमसे नहीं प्रेम कर रहे तुम्हारे द्रव्य से तुम्हारे पैसे से प्रेम कर रहे हैं शंकराचार्य कहते हैं और ज्ञाते तत्वे कह संसार एक बार तुमने परम तत्व को जान लिया फिर संसार का बंधन कैसा फिर संसार क्या संसार है ही नहीं फिर एक बार परम तत्व को जान लो हे मूढ़ मते गोविंदम भज गोविंदम भज अभी मृत्यु आ जाएगी समझाया है संत विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडव तो तुम्हें अपने माता पिता के समान मानते हैं सेवा करते हैं लेकिन तुम्हारा धर्म है तुम्हारा कर्तव्य है अब तो वन में जाकर श्री हरि का भजन करो और एक दिन किसी को कहे बगैर धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी के साथ हस्तिनापुर छोड़कर चल पड़े गंगा जी के तट पर आए सप्तश्रोत में वहां पर उन्होंने भगवान का भजन शुरू किया यहां दूसरे दिन जब गए हमेशा की तरह वंदन करने धर्मराज युधिष्ठिर तो अपने माता पिता को नहीं देखा संजय वहां रो रहे थे उनको पूछा कि संजय हमारे माता पिता कहां गए हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया वे कुएं में तो नहीं गिर गए तब धृतराष्ट्र के दास संजय ने रोते हुए बताया धर्मराज मैं भी नहीं जानता मेरे मालिक मुझे छोड़कर कहां चले गए उस वक्त वहां तुम्बरू के साथ देवर्षि नारद पधारे नारद ने बताया धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर जी के साथ हरि भजन के लिए गए हैं वन में जो कुछ किया है उन्होंने उचित ही किया पांडव वहां जाकर उनके भगवत भजन में विघ्न न करना भजन करने दो और तुम भी तैयारी करो भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारेंगे तब से कलिकाल का आरंभ होगा कहकर देवर्षि नारद गए धृतराष्ट्र गांधारी गंगा जी के तट पर भगवान का भजन करते हुए देहाध्यास छूटा वन में लगे अग्नि में दोनों के शरीर
जलकर भस्म हुए, दोनों की सदगति हुई। देखकर विदुर जी वहां से आगे चले। यहां हस्तिनापुर में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर दुखी बनकर बैठे। आज उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, हृदय में दाह हो रहा है, वातावरण भी कुछ ऐसी मायूसी छाई हुई है वातावरण में, अच्छा नहीं लगता। अर्जुन को भेजा है द्वारिका, बहुत समय से द्वारिकानाथ श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं था। अर्जुन को भेजा, जाओ पार्थ कुछ समाचार ले आओ। कहा था ज्यादा से ज्यादा 6 मास तक वहां रुकना, फिर चले आना वापस। 6 मास के उपरांत समय बीत गया, अभी तक अर्जुन नहीं आए। धर्मराज को चिंता हुई। तब वहां आए भीम। भीमसेन ने अपने बड़े भाई को पूछा, भैया ऐसे क्यों बैठे हैं? कहा युधिष्ठिर ने, भीमसेन भैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, देखो तो कैसी मायूसी छाई हुई है, दिशाएं कैसी हो गई है, ये धरती मानो किसी के वियोग में रो रही है। भीमसेन लगता है इस पृथ्वी से कोई महान पात्र पृथ्वी को छोड़कर चला गया, किसी के वियोग में रो रही है धरती। मैं गया मंदिर में तो भगवान की मूर्ति मुझे निस्तेज दिखाई पड़ी। भीमसेन गौशाला में गया तो गायों की आंखों में मैंने आंसू देखा। भीमसेन मुझे चिंता हो रही है, देवर्षि नारद ने जो बताया वो समय तो नहीं आ गया, क्या हुआ होगा अभी तक अर्जुन नहीं आए, द्वारिकानाथ का कोई समाचार नहीं मिला। ठीक उसी वक्त अर्जुन जी लौट आए, रथ आकर खड़ा रहा दोनों भाइयों के सामने। पार्थ बैठे हैं रथ पर, लेकिन विषाद के बादल छाए हैं पार्थ के बदन पर, रो रो कर आंखें सूज गई, लाल हो गई, मानो शव उतर रहा हो नीचे। अर्जुन जी उतरे, दोनों भाइयों को प्रणाम किया। देखते ही समझ गए धर्मराज कुछ अनिष्ट कुछ अमंगल जरूर हुआ। पार्थ इतने दुखी क्यों हो भैया, बताओ तो द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है, हमारे भगवान द्वारिका नाथ कैसे? वसुदेव देवकी तो कुशल, उग्रसेन महाराज कैसे? दाऊ दादा तो आनंद में है, प्रभु के परिवार में तो सब कुशल मंगल है पार्थ। अर्जुन रोते गए, कुछ बोल नहीं पाए कुछ बता नहीं पाए, बस रो रहे हैं आंख से अश्रु बह रहे हैं। युधिष्ठिर ने हाथ पकड़ा पार्थ का, बताओ तो कुछ तो कहो क्या हुआ, तुम इतने खिन्न क्यों हो, तुम इतने दुखी क्यों हो अर्जुन? शरण में आए हुए की रक्षा तुम नहीं कर पाए इसलिए दुखी। प्रथम जिमाने योग्य वृद्ध स्त्री पुरुष और बच्चों को जिमाए बगैर तुमने जिम लिया है, इसलिए तो तुम दुखी नहीं। तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाए, हुआ क्या है तुम्हें? या तो फिर अर्जुन जिसके बगैर तुम्हारा जीवन संभव नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गए हो तुम इसलिए रो रहे हो, हुआ क्या है? और युधिष्ठिर के इस वाक्य ने अर्जुन के रुदन को प्रकट कर दिया, बहने लगे अश्रु आंख से, बहुत रोए अर्जुन। बड़े भैया क्या बताऊं, अनिष्ट हो गया, जिनका नाम ले लेकर आप कुशलता पूछते हैं उनमें से कोई जीवित नहीं रहा, ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण यदुवंश का क्षय करके स्व
स्वधाम पधारते। मदिरा पीकर यादव आपस आपस में लड़े, न रोक पाए कृष्ण और दाऊ भी। अरणी के दो वृक्ष में घर्षण होता है और फिर आग पैदा हो जाती है और उस आग में सारा वन सारा जंगल जलकर भस्म हो जाता है। उसी तरह आपस के संघर्ष की आग में सारा यादव कुल नष्ट हो गया। द्वारिकानाथ तो स्वधाम पधार चुके, इस धरती पर नहीं रहे। कृष्ण नहीं गए, मेरी शक्ति गई, मेरा तेज गया। जिस श्री कृष्ण की कृपा से मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया, जिस कृष्ण की कृपा से स्वयंवर से हमने सुभद्रा का हरण किया, जिस श्री कृष्ण की कृपा से खांडव वन मैंने अग्नि को समर्पित किया, जिस नंद नंदन के अनुग्रह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम विजय को प्राप्त हुए, वो श्री कृष्ण गए, हमारा तेज चला गया। बड़े भैया मैं अर्जुन वही का वही हूं, देखो ये गांडीव वही का वही है, लेकिन यादव स्त्रियों की रक्षा करता हुआ मैं आ रहा था तो मार्ग में काबाओं ने मुझे लूट लिया। समय समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वो ही धनुष वो ही बाण। आज मुझे पता चला वो शक्ति मेरी नहीं थी, शक्ति परमात्मा की थी। जैसे ही अपने पति अर्जुन के मुंह से ये समाचार सुनाई पड़े कि कृष्ण नहीं रहे, द्रौपदी बहुत हुई, भैया अब कौन बसंत रूप होगा, दुशासन जैसे तत्वों से अब तुम्हारी बहन की रक्षा कौन करेगा। महाकुंता बहुत दुखी हुई, तुम मेरे भतीजे नहीं थे कृष्ण, तुम आदि नारायण भगवान अपनी लीला को समाप्त करके चले गए। बहुत दुखी हुए पांडव। सोचा देवर्षि नारद ने बताया है जब से भगवान स्वधाम पधारेंगे द्वापर का वहां अंत होगा, कलिकाल का आरंभ होगा, अब हम भी जीवित रहकर क्या करेंगे। पौत्र परीक्षित को राजगादी दे दी, हस्तिनापुर की गादी पर राज्याभिषेक कर दिया परीक्षित का, और पांडव चले हिमालय पर स्वर्गारोहण के लिए। स्वर्ग की सीढ़ी बना मानो हिमालय, पांडुकेश्वर में अंतिम बार भगवान शिव जी की पूजा करके बर्फाच्छादित शिखरों पर आरोहण किया, पांडव भी स्वर्ग गए। यहां हस्तिनापुर में परीक्षित राजा हुए। उत्तर प्रजापति की ईरावती नाम की कन्या के साथ राजा परीक्षित का विवाह हुआ। जन्मेजय आदि चार पुत्र हुए। राजा परीक्षित ने अनेकानेक अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान का यजन किया। अश्वमेध का यज्ञ का अर्थ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो घोड़ा घूमता रहता है फिर उसको काट करके उसका होम कर देते हैं, फिर घोड़ा पुनः जीवित हो जाता है। अश्वमेध का अर्थ समझो, अश्वमेध का वो घोड़ा घूमता है, जो रोकता है उसे लड़ना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य से घोड़े को पसार होने देते हैं, उन्होंने पराजय स्वीकार किया ऐसा माना जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन अश्वमेध का जो अर्थ है, अश्व का अर्थ घोड़ा ही नहीं होता, अश्व का अर्थ राष्ट्र भी होता है, और मेध का अर्थ होता है उन्नति। अश्वमेध का अर्थ हुआ राष्ट्रोन्नति का यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ का अधिकार राजाओं को ही दिया गया। मतलब जो सत्ताधारी है, जिसके हाथ में सत्ता है, वे शासक ही
राष्ट्रोन्नति कर पाएंगे, राष्ट्रोन्नति का यज्ञ उनके हाथों ही संपन्न होगा, यदि वे चाहे। हां, यदि वे चाहे, यदि संकल्प है उनका, शासकों का, कि राष्ट्रोन्नति का यज्ञ करें, यदि वे चाहे तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन यदि अपनी ही उन्नति का यज्ञ करें, राष्ट्र का जो होना हो सो होवे, तो बात अलग है। तो राजाओं को अश्वमेध यज्ञ का अधिकार दिया गया, राष्ट्रोन्नति का यज्ञ, अपने राष्ट्र की प्रजा का सर्वांगीण विकास, सब तरह से, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, सब प्रकार से विकास समाज का, राष्ट्रोन्नति का।